अगर किसी व्यक्ति या स्त्री की जन्म कुंडली में या किसी 14 साल से अधिक उम्र के बच्चे की जन्म कुंडली में कोई ग्रह नुकसान पहुंचा रहा हो या पीड़ित अवस्था में हो, तो उस ग्रह की शांति के लिए हमें उस ग्रह का विधि विधान के अनुसार व्रत करना चाहिए। यह परंपरा निरंतर चलती रहे तो आप इसलिए इस वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक अवश्य करें, अगर अच्छा लगा है तो कमेंट्स अवश्य करें और अपने इष्ट मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। केतु ग्रह की शांति के लिए, केतु ग्रह के अरिष्ट फलों की शांति के लिए किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से आपको 7 मंगलवार का व्रत करना होता है और इसमें आपको सप्त जो अनाज है, सप्त धान्य है, उनका दान करना होता है। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः। व्रत की समाप्ति के पश्चात सतरंगा कंबल, नारियल, अष्टगंध इत्यादि का दान किसी तांत्रिक या शिखंडी को करना चाहिए। केतु ग्रह की शांति के लिए शहद का दान भी उत्तम फल देने वाला बताया गया है। क्या करती हैं? मैं होम ट्यूशन लेती हूँ, टीचर हूँ। कहाँ रहती हैं? वेस पटेल नगर। तो आप गुरुजी के पास आई, क्या प्रॉब्लम था आपका? एक्चुअली मेरा बेटा जो था नशे की गिरफ्त में था और नशे बहुत कर रहा था फ्रेंड्स के साथ और रात को भी लेट नाइट आना, परेशान करना, तो इन सब की वजह से मैं आई। कब से परेशान थी आप? मैं परेशान थी 4-5 साल से। मुझे कुछ उपाय बताए थे और साथ में मेरे को इन्होंने रिंग पहनने के लिए बताई थी बच्चे के लिए, तो वो मैंने फिर डलवाई थी। तो अब रिंग पहने कितना समय हो गया उसे? रिंग पहना था न्यू ईयर को, 1 जनवरी को, और तब से उसने एक बार भी ड्रिंक नहीं की है और अपना फ्रेंड्स वगैरह का साथ छोड़ दिया। तो आपको उससे इतनी देर में फायदा हो गया? हाँ जी, आज एक है तो 1 महीने में मतलब बिल्कुल मुझे उसने कभी टच ही नहीं किया उसको। आप और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी गुरु जी गुरु माँ के बारे में? मैं यही मैसेज देना चाहूंगी, आकर एक बार जरूर मिले और जो वो उपाय बताएं करें, निश्चित ही फायदा होगा उससे। आज की इस चर्चा को विराम देते हुए शीघ्र ही मैं आप सभी के समक्ष पुनः प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय शनिदेव।